एक अवार्ड्स नाइट में स्पॉट किए गए साजिद खान और अजय देवगन, और दोनों का यहां कैप्चर हो जाना बन गया है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज। और इसकी वजह कुछ और नहीं, इन दोनों स्टार्स के कहे हुए बोल बच्चन हैं। साजिद खान को इस मूवी के लिए अवार्ड मिल गया तो जाएंगे ना स्टेज में? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ, मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ। कल तक जो अवार्ड्स में ना जाने की खाते जा रहे थे कसम, उन्हीं का यूं एक बड़ी अवार्ड्स नाइट में नजर आना कई सवाल तो जरूर उठाता है। जवाब में अगर आपको भी साजिद के किसी नए पब्लिसिटी गिमिक की बू आ रही है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इन दोनों स्टार्स ने जब पिछले दिनों अवार्ड्स की धज्जियां उड़ाना शुरू किया था जूम में, तब ही साजिद और अजय की हिम्मत की दाद देकर इशारा कर दिया था कि अवार्ड्स की ये धुलाई लगता है बेवजह बिल्कुल नहीं है। 99% awards पे they are reality shows. I think awards are reality shows. वो reality shows हैं और मनोरंजन होता है public का घर पे बैठ के। I don't think अभी public को ये पड़ी है कि कौन क्या जीतने वाला है, अब public को यही पड़ी है कि अगला कौन नाचने वाला है। इसीलिए जब साजिद और अजय हमें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में नजर आए तो एक पल के लिए हमें भी लगा कि कहीं ये अपीयरेंस साजिद की कोई नई शरारत तो नहीं, इसीलिए हमने इन्हें अवार्ड्स में ना जाने की कसम याद दिला दी। हिम्मत वाला और रेडियो मिर्ची, बिकॉज रेडियो मिर्ची के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, और ये अवार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो बेसिकली बिहाइंड द कैमरा रहते हैं और बिहाइंड द सीन्स रहते हैं और जो फिल्म को सपोर्ट करते हैं और जिनको उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए एक हिट का जो हमको मिलता है। इसलिए अजय उन सभी को क्रेडिट दिलाने आए हैं जिन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता, और शायद उनकी कोई और तमन्ना नहीं है। हाँ, साजिद की एक तमन्ना उनके साथ थी और वो थी उनकी हीरोइन तमन्ना भाटिया, और वाकई इस इवेंट पर साजिद ने काफी कम बोला और अजय को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया। हिम्मत वाला के म्यूजिक के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? मतलब 80s का म्यूजिक है, दो गाने बाकी रे ताकि नैनो में सपना रिकॉर्ड किए हैं, सभी को पसंद है, रिकॉर्ड किए विद एन ऑर्केस्ट्रा, और बाकी तीन गाने नए हैं, उसमें से मेरा फेवरेट एक है बम्पेलात इज अ सॉन्ग फॉर किड्स, यू विल सी अजय एंड 50 किड्स, द अदर टू सॉन्ग्स आर आल्सो फैंटास्टिक, आई थिंक म्यूजिक विल बी लव्ड बाय। अब साजिद ने अजय को ज्यादा बोलने का मौका दिया या फिर अजय ने ही साजिद को ज्यादा बोलने नहीं दिया, ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे। पर यहाँ इतना बताना बेहद जरूरी है कि मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में बिग बी पूरी तरह छाए रहे, उनके सॉन्ग्स और खुद बिग बी को भी यहाँ फेलिसिटेट किया गया था। और जब अमिताभ बच्चन का जिक्र निकला तो बात निकल पड़ी उनकी अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह की, जिसमें अजय बिग बी के साथ नजर आएंगे। और जब मीडिया ने अजय से रिक्वेस्ट की सत्याग्रह पर बात करने की तो अजय ने बात टाल दी। सत्याग्रह पर अजय क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के मौके पर साजिद और अजय ने जितनी बात हिम्मत वाला को लेकर की है उससे तो साफ है कि एक अवार्ड्स नाइट में पिक्चर प्रमोट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साजिद ने लगा डाली हिम्मत वाला के म्यूजिक और डांस की पूरी नुमाइश। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं डांस कर सकते? इसलिए पिक्चर का टाइटल हिम्मत वाला इसलिए है क्योंकि अजय देवगन उसमें डांस कर रहा है और साजिद ने डांस कर रहा है। रही बात कौन किसको नचा रहा है ये जानने की, तो बता दें कि जूम आपको पहले ही बता चुका है कि साजिद और अजय ने अवार्ड्स नाइट में उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स को बॉयकॉट करने का मुद्दा इसीलिए उठाया है कि साल की ज्यादातर बड़ी अवार्ड्स नाइट हो चुकी हैं और अब टेलीकास्ट हो रही हैं। ऐसे में ये मुद्दा ऑडियंसेस के बीच वैसे ही गर्म है, और ये तो आप जानते ही हैं कि साजिद ऑडियंसेस की नब्ज पहचानते हैं। आई विल नेवर मेक अ फ्लॉप फिल्म इन माय एंटायर लाइफ, यू नो व्हाई? बिकॉज मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। वैसे अवार्ड्स की इतनी बजाने के बावजूद मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर साजिद को देखकर भी ऑडियंसेस काफी एंजॉय कर रही होगी, क्योंकि अपनी ही बात से पलटने का इतना इनोवेटिव फिल्म प्रमोशन का फंडा तो एंटरटेनिंग होगा ही ना। साजिद खान को इस मूवी के लिए अवार्ड मिल गया तो जाएंगे ना स्टेज में? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ। वेल, अब इस अवार्ड्स का कवरेज टेलीविजन पर देखकर साजिद और अजय इतना जरूर सोचेंगे कि ये कहां आ गए हम तुम हिम्मत वाला को प्रमोट करते करते। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।